बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलो, बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलो, बाबूजी मेरी बेटी गर्भ से तड़प रही है, सुना है आपके घर में डॉक्टर है, मेरी बेटी को बचा लीजिए, बाबूजी, बाबूजी। नंदू, खोलो। कौन है? खोल रही हूँ। नमस्ते माता जी, नवसांबा है क्या? नहीं है, वो बाहर गया है। तो फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पे। नशे में उससे क्या बात करोगे? पीकर बात करने नहीं आया हूँ माता जी, बात करनी है इसलिए पीकर आया हूँ, है क्या? समझे जी, समझे जी, समझे जी, अरे समझे जी, मुझे माफ कर दो समझे जी, माफ कर दो। लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने हमारे घर भेजा था, पर हमने उसे अपने हाथों मार डाला। उठो उठो उठो। क्या सोचा था मैं पी के आया हूँ? मुझे आदत नहीं। इधर तू मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाइयों के हाथ से सांबा। तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ ना। देखो डरो मत, बाहर जाओ कुंवर जी, कुंवर जी। भगवान, तेरी क्या लीला है, इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया, ये अन्याय है। ची, चले, तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ कुछ नहीं बोल रहे हैं, काम हो गया ना अभी है? चलो। मुझे बचाना। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू, अपने आप को संभालो। नंदू, पकड़ो उसे, भागने पाए। नंदू, नहीं। Ah!
आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मामा जी, भागो, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, सांबा हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 पिताजी। इतना सब कुछ कैसे हो गया? वो मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, He's a cold-blooded bastard. अच्छा, मैं cold हूँ और वो सांबा हिट है। Cold-blooded bastard का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए, हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। सर, सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले इसे बाहर भेजो। चल चल बाहर। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा, एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या, तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें? इन दोनों को एक साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं, इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। एक साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर, आज का गुस्सा महीने, छह महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर, ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब वो आ गए। पशुपति, 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 ये पुलिस कंट्रोल रूम है, अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सांबा, सांबा आई कैन स्टॉप इट, आई कैन स्टॉप इट, शांत हो जा। जल्दी से चली ले के आओ। यस सर। सांबा को पकड़। अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। सांबा, सांबा, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना तुम्हारी फैमिली का अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं दबा डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो, लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा, अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मार कर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को पढ़ा कर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो एक साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाए। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठे थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू भी मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा
अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ। मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ, मैं खुद कर लूंगी। ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ है? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था। अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे। सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे अरे अरे, देख इसे देख, अरे पति के होते हो विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है? मालकिन ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछ कर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो सांबा मरा नहीं है, वो शाणा अभी तक जिंदा है। उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला, इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद,